वेलकम, स्वागत है आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल में। स्टे विद मी और वैकेंसी आ रखी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के पदों पर रिक्रूटमेंट में आप जूनियर एसोसिएट जिसे आप कह सकते हो या आप क्लर्क भी कह सकते हो, कस्टमर सपोर्ट सेल में आपका ये वैकेंसी होने वाली है और एक अच्छी वैकेंसी, करीब करीब 8,500 पूरी अगर बैकलॉग मिला लो पिछले साल वाली, तो करीब करीब 9,000 के आसपास आपकी वैकेंसी बनती है जाके, ठीक है। तो आपके पास एक अच्छा मौका हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक रेपुटेड बैंक है भारत में, आप इसे ज्वाइन करने का, ठीक है। तो एक तरह की आपकी गवर्नमेंट नौकरी हो गई और इसमें हम डिटेल में देखें इस वीडियो में आपको फॉर्म कैसे भरने, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका जो रिटेन एग्जाम होने वाला और आपका जो इंटरव्यू वगैरह या जो भी है लैंग्वेज टेस्ट वगैरह, सारी की सारी चीज़ें आप फॉर्म दो स्टेट में डाल सकते हो, एक स्टेट में, हर चीज़ इसमें देखने वाले। तो बने रहिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर अंत तक, चलो शुरू करते हैं। अब देखो आपके जो ना एप्लीकेशन चलेंगे 12 तारीख से, 12 अप्रैल से लगा के 3 मई तक, ठीक है। तो देख लीजिए आप यहां से 12 अप्रैल से 3 मई तक आपकी ये फॉर्म चले, तो आपके ये फॉर्म चलने वाले हैं 12 अप्रैल से लगाकर 3 मई तक, ठीक है। तो आपको अपने फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म इन दोनों डेटों के बीच में भर देने हैं, ठीक है। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात पहली लाइन से ही शुरू हो जाती है, आप अपने फॉर्म किस में भरेंगे जाके, आप जाइएगा www.bankSBI/career पर जाइएगा या www.sbi.co.in पर जाकर करियर पर क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब देखो आपको किसी एक स्टेट के लिए अप्लाई करना है, भारत सरकार में हर स्टेट के लिए अपने अपने फॉर्म हैं। अगर आप किसी एक स्टेट के लिए डालना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप दो तीन स्टेटों के लिए फॉर्म डाल दो, दो तीन फॉर्म डाल दो तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। आप किसी एक स्टेट के लिए डालो और उस स्टेट के लिए डालो जिस स्टेट की लैंग्वेज आपको पता, कहने का मतलब ये हुआ जिस स्टेट में आप रहते रहे हो उसी स्टेट की आपको लैंग्वेज पता, जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी आपको पता है तो आप उसी स्टेट के लिए डालो, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख भी रखा, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, वैकेंसीज फॉर वन स्टेट ओनली, कहने का मतलब ये है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसी इन वन स्टेट, मतलब आप किसी एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं आप जो है ना 4-5 स्टेट के लिए अप्लाई कर दो। अब देख लो वैकेंसी डिटेल्स, अहमदाबाद में देख सकते हैं तो गुजरात में, अहमदाबाद में गुजरात, दादरा हवेली और दमन दीव, अहमदाबाद रीजन के अंदर 3 स्टेट आते हैं, ठीक है। इन तीनों स्टेटों में आपको लैंग्वेज ये आनी चाहिए, गुजराती आपको मैंडेटरी, आपको ये आनी चाहिए। अब वैकेंसी देख लो, गुजरात जो गुजरात में आपके पड़ेगी वो 410 वैकेंसी है और दादर नगर हवेली में आपको जो है 9 वैकेंसी, दमन दीव में आपकी 6 वैकेंसी। लाइकवाइज अमरावती रीजन में आंध्र प्रदेश आता है और आंध्र प्रदेश के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए तेलुगु या उर्दू आपकी साथ में आनी चाहिए। तो इस तरह 253 आपके लिए वैकेंसी, तो आप यहां से अपनी वैकेंसी देख पाएंगे। भोपाल रीजन में कौन कौन आएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आता है, तो इन दोनों के लिए आपको हिंदी आनी चाहिए और आपकी वैकेंसी 420 आपकी मध्य प्रदेश में, 230 आपकी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड की वैकेंसी नीचे लिखी है और एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी यहां पर नीचे लिखी हुई है। SC ST की क्रमशः जो है ना, ये है बैकलॉग वैकेंसी, जो पुरानी वैकेंसी भरी नहीं गई थी वो यहाँ पर खाली पड़ी, वो वैकेंसी भी यहाँ पर दर्शाई गई है, ठीक है। जैसे कि ST की वैकेंसी जो है ना गुजरात में अभी खत तक खाली पड़ी रही पिछले साल से, इस साल फिर से वही बैकलॉग वैकेंसी आ गई है। इस तरह कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बंगाल में देख सकते हैं आप कितनी वैकेंसी, हम थोड़ा इसे स्लाइड को नीचे करते हैं ताकि आपको और चीज़ें अच्छे से। चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब आ गया, तो आप क्रम से आप इसके सामने देख सकते हैं 40 वैकेंसी है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लिए 132 वैकेंसी है, पंजाब के लिए 333 वैकेंसी। चेन्नई में क्या आता है, तमिलनाडु आता है, पांडिचेरी, तो 421 वैकेंसी तमिलनाडु के लिए, पांडिचेरी के लिए 4 वैकेंसी है। लाइकवाइज आप यहाँ पर हैदराबाद रीजन, तेलंगाना के लिए 425 वैकेंसी है, ठीक है। और केरला में आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है, लाइकवाइज ये वैकेंसी की डिटेल्स है आपकी स्टेट वाइज। मुंबई के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा वगैरह 780 सीटें महाराष्ट्र के लिए, गोवा के लिए 20 सीटें। नॉर्थ ईस्ट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पटना के लिए बिहार, झारखंड, बिहार में 111 वैकेंसी, झारखंड में 232 वैकेंसी। इस तरह जो टोटल वैकेंसी बनती है ऑल ओवर इंडिया 8,593, ठीक है, ये हो गई। और 103 आपकी बैकलॉग वैकेंसी हो गई पुरानी वाली, ठीक है। तो इस तरह आपकी ये वैकेंसी टोटल हो जाती है, तो एक अच्छी वैकेंसी आपको जो ना इसमें देखने को मिल रही है, आप अप्लाई करना चाहें तो जरूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब देखो ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है कुछ चंडीगढ़ के लिए, कश्मीर वैली और लेह एंड कारगिल वैली, तो इसमें क्या उर्दू या कश्मीरी डोगरी आनी चाहिए या उर्दू लद्दाखी या डोगरी आनी चाहिए, और इसमें आप वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हो टोटल 60 वैकेंसी ये अलग से हैं, ठीक है। ये कश्मीर वैली के लिए अलग से वैकेंसी इन्होंने निकाल रखी है, तो इस तरह 60 वैकेंसी है। अगर आप यहाँ के रहने वाले हो, आपको उर्दू लद्दाखी या डोंगरी आती है या उर्दू कश्मीरी डोंगरी आती है, तो आप चंडीगढ़ रीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात इसकी होगी, वैकेंसी होकर टोटल हमने देख लिया 8,653 टोटल वैकेंसी बनी, ठीक है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं कौन कौन सी इसकी महत्वपूर्ण जानकारी, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो
आगे चलते समय हम ये देखते हैं, फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि फॉर्म कैसे क्या होने वाला है, कि कितनी डेट के बीच में आपको अपना फॉर्म भर देना है, ठीक है। अब ये बात होगी, अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए, देख लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपकी जो एजुकेशन मांगी गई 31/8/2019, इसका मतलब ये हुआ अपीयरिंग के जो भी बच्चे जिन्होंने इस साल एग्जाम दिया है वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, और आपको जो है ना कोई परसेंटेज की दरकार नहीं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, थर्ड डिवीजन भी पास हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपीयरिंग हो तब भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बहुत ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी है। अब आगे देखते हैं हम, उम्र सीमा की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है। आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए 20 से 28 साल, कहने मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पढ़नी चाहिए 2/4/1991 से 1/4/1999 के बीच में। अगर आप डेट ऑफ बर्थ पढ़ती तो आपको जो है ना फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर सकते हो। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट, फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल वालों को 10 साल की छूट, फिजिकली हैंडीकैप्ड SC ST वालों को 15 साल की, OBC को 13 साल की आपको क्रमशः छूट दी गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखते हैं बच्चों आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हम देखते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर में हम चलते हैं, तो बस जस्ट आई एम गोइंग टू स्लाइड को थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो आपका क्या सिलेक्शन प्रोसीजर कंसिस्ट, ऑनलाइन टेस्ट प्री और मेंस आपका होगा एंड टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपको जिस स्टेट के रहने वाले हो, अगर आपने उसी बोर्ड से पढ़ाई की है और आपने कक्षा 10 और 12 में उसी स्टेट की जो नेटिव लैंग्वेज, जैसे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, अगर आपने 10 और 12 में आपने हिंदी लैंग्वेज ले रखी तो आपको ये लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस क्षेत्र के लिए, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस स्टेट की जो नेटिव लैंग्वेज है, अगर आपने कक्षा 10 और 12 में वो नेटिव लैंग्वेज पढ़ी है, उसका एग्जाम दिया, तो आपको ये टेस्ट नहीं देना, आपको सिर्फ देना पड़ेगा प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम, देयर इज नो इंटरव्यू, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखो जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसके लिए ऑनलाइन आपका होगा और आपके 100 नंबर का होने वाला है, ठीक है, और इसमें 1 घंटे का टाइम मिलेगा और 3 सेक्शन, इसमें 3 चीज़ें रहेंगी। तो और अंग्रेजी देखेंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर की, गणित आपकी 35 क्वेश्चन 35 नंबर की, रीजनिंग आपकी 35 क्वेश्चन 35 नंबर की। इस तरह टोटल 1 घंटा मिलता है, 60 मिनट मिलता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर मिलते हैं आपको, और अगर गलत किया तो 1/4 नंबर निगेटिव मार्किंग के काट लिए जाते हैं, प्री हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका आएगा मेंस की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो अब टोटल ये लोग जो है ना प्री एग्जाम के बाद 10 टाइम्स वैकेंसी ले रहे हैं, 10 टाइम्स जितनी वैकेंसी 8000 वैकेंसी, 8000 का 10 गुना करके 80000 टोटल बच्चे ये लोग लेंगे प्रीलिम एग्जाम में, जो कि फिर बाकी सेकेंड जो मेंस एग्जाम उसमें छाटे जाएंगे। तो फेज टू एग्जाम मेन एग्जाम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी, 4 चीज़ें पूछी जाएंगी। सबसे पहले जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन 50 नंबर 35 मिनट का, जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर 35 मिनट में, गणित आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर 45 मिनट, और आपकी रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, और जो है ना 45 मिनट टोटल टाइम मिलेगा, 2 घंटे 40 मिनट आपको, 200 टोटल नंबर रहेंगे और 190 आपके क्वेश्चन रहेंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ भी आपकी रहने वाली, 1/4 नंबर आपका यहाँ से काट लिया जाएगा अगर आपने गलत किया, ठीक है। और देखो आपके जो ये टेस्ट हैं ये हिंदी हिंदी और अंग्रेजी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाले हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि इंग्लिश इंग्लिश में सब आ जाए, लेकिन अंग्रेजी का जो टेस्ट है वो बेटा अंग्रेजी में ही रहेगा, ठीक। ऑनलाइन अप्लाई के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाकर आप अपना फिर जो है ना करियर पर सेलेक्ट करके, करियर पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इसकी पेमेंट आपकी फ़ीस वगैरह क्या लगने वाली उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी कर लेते हैं। आप यहाँ से देख सकते हो आपकी पे स्केल कितनी रहने वाली है, आपको जो ना वेतन मिलने वाला है वो आपको कितना मिलने वाला है। तो देखो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी करीब बनेगी वो 25,000 रुपये पर मंथ के आसपास बनने वाली है, ठीक है। हालांकि क्लर्क में पेमेंट थोड़ी कम ही रहती है, आपकी जो मंथली पे बनेगी शुरुआती जो बनेगी वो आपकी 25,000 के आसपास बनने वाली, फिर क्रमशः साल दर साल आपकी ये पेमेंट वगैरह बढ़ती रहती है, ठीक है। तो प्रमोशन आपके होते रहते हैं, 6 महीने में वगैरह में प्रमोशन होते रहते हैं, तो इस तरह आप जो ना पेमेंट भी आपकी बढ़ती रहेगी, ठीक है बच्चों। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब देखो फीस वगैरह कितनी लग रही है, जनरल OBC वालों से लगेगी 750 रुपये और SC ST फिजिकली हैंडीकेप्ड वालों से लगेगी 125 रुपये, और ये जब अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तभी आप जो है ना अपना ये फॉर्म तभी अपनी फीस कटा सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। अब देखो आपका जो कॉल लेटर आपके एग्जामिनेशन के लिए कब आएंगे, आपका जो है ना कॉल लेटर आएगा 1st week of June 2019, ठीक है। तो मतलब कि जून में ही आपके जो है ना
प्री एग्जाम के काले लेटर आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आपका मेन एग्जाम भी होगा 4th week of July, जुलाई के अंतिम सप्ताह में आपका मेन एग्जाम है। और जो है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं है बच्चों, जोर शोर से जुट जाओ, क्योंकि जल्दी आपका ये एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट होने वाले हैं और जल्दी आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आपकी नौकरी भी शुरू हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो हमने मोस्टली चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हैं। अगर कुछ और आप जानना पूछना चाहते हो, और ये एग्जामिनेशन सेंटर हैं पोर्ट ब्लेयर, हर जगह ऑल ओवर इंडिया आपके एग्जामिनेशन सेंटर, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस तरह हमने मोस्टली सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अगर आप कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और सिलेबस देखने के लिए, इसका डिटेल में सिलेबस देखने के लिए आप जा सकते हो sarkarisyllabus.com पर। इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।